up. Got me all stuck, chasing that rush. Had to give up. I just want to. Hope so you are doing good. So आज का जो मेन टॉपिक है वीडियो का वो ये कि PMC वालों की तरफ से जो आज रिसेंटली ट्वीट है वो ये कि हम कुछ भी एडी चोटी का जोर लगाओ, धरने दो, टायर जलाओ, गाड़ियाँ जलाओ, कुछ भी करो, हमने पेपर रिकंडक्ट नहीं करना. ये रिसेंट ट्वीट है PMC वालों की तरफ से. उन्होंने कहा बेटा कुछ भी कर लो, हम लोगों ने नहीं करना है. इसकी मेन वजह ये कि प्रोटेस्ट एक दो सिटीज़ में हुआ. इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ, लाहौर में प्रोटेस्ट हुआ. जो बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट किया गया वहाँ पर क्या हुआ कि जो बॉयज़ थे उन सबको जो है उन्होंने अरेस्ट कर लिया. वो सारे के सारे बॉयज़ जो हैं वो लास्ट नाइट शायद वो लड़के जो हैं वो अरेस्ट हो गए थे. तो प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. आप लोग अपना टाइम, हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो कह रहे हैं प्रोटेस्ट करते हैं. हम लोग PMC के इंस्टीट्यूट उस जगह के बाहर जाते हैं, वहाँ पे टायर जलाए हैं, कुछ भी करो. तो यार इसमें सिर्फ हम लोगों का अपना अभी भी हमारा ही नुकसान हो रहा है. अब जो हो गया सो हो गया. हमारे फ्यूचर के साथ जो करना था वो लोग हमारे साथ कर चुके हैं. अब ना तो हम अपने मार्क्स को चेंज कर सकते हैं. और जो बच्चे रीअपेयर होने का सोच रहे हैं तो यार जो मार्क्स आप लोगों के आएंगे ना अब उन मार्क्स से भी जाओगे. मैं रीअपेयर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे पास नंबर है ना 152, मैंने इन नंबर से भी चले जाना है. तो मैं पर्सनली ओपिनियन है कि कभी भी जो है आप रीअपेयर ना करो. आप दोबारा उसमें ना हो, जो नंबर आ गए हैं तो उसमें सब्र शुक्र कर लो. और अगर आप अल्लाह ना करे अगर कोई फेल हो भी जाता है तो इतनी फील्ड्स हैं, किसी और फील्ड में आप लोग चूज़ कर लो. अच्छा, उसके अलावा अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, उन लोगों ने पहले अपने एडमिशन जो है वो क्लोज़ कर लिए थे, लेकिन अब उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वालों ने अपने एडमिशन्स खोल दिए हैं और उनकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है. इसी तरह हाँ, UVS वाले हैं जो वेटनरी हॉस्पिटल वाले हैं, उन्होंने भी अपनी जो है उनके भी एडमिशन शायद अभी भी खुले हुए हैं. जिस तरह फातिमा मेमोरियल है, इनके भी एडमिशन अभी खुले हुए हैं. और इसके अलावा एक दो यूनिवर्सिटीज़ हो रहे हैं, आप वहाँ पर खुद जाओ, विजिट करो, क्योंकि हर चीज़ तो नहीं आपको ऑनलाइन मिल सकती है, हर चीज़ तो नहीं आपको अवेलेबल होगी नेट पर. कुछ हैं जो जिन्होंने अपने एडमिशन्स खोले हुए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने अपने पोर्टल पर नहीं डाले हुए हैं. तो आप एक दफ़ा खुद जाओ, उनसे कंसर्न करो कि सर हम लोगों को एडमिशन चाहिए, इस फील्ड में चाहिए, इसका क्या क्राइटेरिया है, इसका किस तरह से हमें अप्लाई करना है, अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो डेट क्या है, डेडलाइन क्या है, सब कुछ आप लोगों के इल्म में होना चाहिए. मुझे चीज़ें किस तरह से पता चलती हैं, मुझे इस तरह से पता चलती हैं कि एक तो अगर आपने कुछ भी किसी को बताना भी है ना किसी चीज़ के बारे में तो आपको खुद को पहले उस बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. जिस दिन मैंने अपना पेपर दिया 10th September को, मैंने उस दिन से लेकर 5, 6, 7, 8 यूनिवर्सिटीज़ का मैंने टूर विज़िट किया. विज़िट करने के बाद मैंने उनसे उनकी डेडलाइंस पूछी, उनका मैंने क्राइटेरिया पूछा, उनसे मैंने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने कलेक्ट की और उसको अच्छी तरह से कहीं पे जब जो कुछ ज़्यादा याद करने वाला था उसको मैंने लिख लिया कि यार इस यूनिवर्सिटी का इस बारे में ये बताना है या इस यूनिवर्सिटी का ये क्राइटेरिया. और जिस यूनिवर्सिटी में मुझे लगा कि मेरा यहाँ हो सकता है मैंने उस यूनिवर्सिटी का वेट किया, वहाँ पर अपना अप्लाई ऑनलाइन उनकी जो वेबसाइट पर जाके वो जो नोटिफिकेशन के बेल आइकन्स होते हैं ना उनको मैंने ऑन किया कि कुछ भी हो मुझे इस वेबसाइट की तरफ से नोटिफिकेशन हर हाल में मिलना चाहिए. तो मैंने इन सब चीज़ों को जो है अपने हाथ में रखा कि यार कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए. जिस तरह मैंने लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और जैसे जैसे मुझे कॉल आती है कि मैं वहाँ वहाँ पर अप्लाई करती थी जाके, मतलब जाके मैंने वहाँ पर जाके पूछ लिया कि ये किस तरह से होना है या ये किस तरह से होना है. वेल उसके अलावा अब सेकेंड और लास्ट ऑप्शन यही बचती है हम लोगों के पास कि अब हम लोग जो है सब कुछ छोड़ दें, प्रोटेस्ट के बारे में ना सोचें कि प्रोटेस्ट होगा तो हम लोग वहाँ चले जाएंगे या फिर हम लोग PMC वालों को वेट कर लें कि वो हम लोगों के दोबारा कंडक्ट कर लें. ऐसा कोई सीन नहीं होने लगा. अब सिर्फ ये है कि हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन है वो ये कि हम अपने इंटर का रिजल्ट का वेट करें जो कि 30th September को आ रहा है. तो उसमें भी कुछ थोड़ा टाइम रह गया उसमें भी. और सेकेंड बात, हम लोग मूव ऑन कर जाएँ अपनी न्यू फील्ड की तरफ. हर वीडियो में मैं एक ही बात कहती हूँ, BDS और MBBS नहीं है सिर्फ ये फील्ड्स. अब MBBS जो है ना वो जहाँ तक मुझे लगता है ना एक थर्ड क्लास डिग्री बन चुकी है ये MBBS मेरे नहीं ख्याल से. अगर आपने सीट्स देनी ही कुछ गिने चुने बच्चों को अगर सीट्स देनी होती हैं तो 600,000 बच्चों से भी PMC का पेपर बिना लिया जाए. अगर सीट्स जानी ही 39,000 या 50,000 बच्चों के पास है तो जो हम लोग बच्चे PMC का पेपर देते हैं ना हम लोगों को कहें बेटा आप लोगों ने सीट्स नहीं रिजर्व करवाई, आप लोग छुट्टी करो, आप लोग फारिग करो, हम जिनकी सीट्स रिजर्व हैं वो पेपर दें और वो MBBS में चले जाएँ. तो फिर जैसे हम जैसे बच्चे जो होते हैं ना फिर वो रोने बैठ जाते हैं कि यार ये तो हम लोगों ने इतनी इतनी फीसिस दी. PMC वाले लास्ट ईयर उन्होंने 1500 में लिया, इस दफ़ा उन्होंने 6000 कर लिया. और इस 6000 की वजह से जिस इंस्टीट्यूट से हम लोगों ने तैयारियां की, टिप्स वाले वो स्टेप वाले थे जिन्होंने इधर से किप्स वालों से तैयारी की, जिन्होंने जहाँ जहाँ से भी तैयारी की उन सब ने अपनी फीसिस का भी रेट अच्छा खासा रखा, 37, 40,
37-40 इतना मिनिमम था इन लोगों के, जो फीसिस जो थी इन्होंने अपनी रखी हुई थी। तो जो हम लोग मिड्रॉटिक फैमिलीज के बच्चे होते हैं ना, वो एक दफ़ा सोचते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स ने इतना हम लोगों पे पैसा लगाया, पहले 6,000 वहाँ फ़ीस थी, फिर उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट हम जाए थे वहाँ उनकी जो, उसके अलावा जो हम लोगों ने किसी अगर किसी ने किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाना तो उनके पैसे अलग। तो हम जैसे जो बच्चे होते हैं ना, वो एक दफ़ा सोच में चले जाते हैं कि यार इतना कुछ करने के बाद भी इतने से मार्क्स। ये मेरी पर्सनल चीज़ है कि मैं ये चीज़ ज़रूर सोचती हूँ कि यार इतना मामा ने किया मेरे साथ और फिर भी मेरे नंबर कम रह गए। अभी भी मामा मुझे कहती हैं कि रीअपेयर हो जाओ, मैंने नहीं रीअपेयर होना, क्योंकि मैं अपने मार्क्स जो है ना ये 152 इनको भी मिस नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाह रही कि मैं ख़त्म कर दूँ, मैं फेल का धब्बा लगवा लूँ अपने ऊपर, मैं वो नहीं चाह रही हूँ। सो बस अब इसके अलावा जो हमारे पास फील्ड्स, मैं हर दफ़ा बताती हूँ, दोबारा सुनते जाओ, जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी इस वीडियो में देख लो। डीफॉर्मेसी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, वेटनरी है आपके पास, बीएस न्यूट्रिशनिस्ट है, बीएस नर्सिंग है आपके पास, आपके पास उसके अलावा डीपीटी है आपके पास, आपके पास एमएलटी है जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं आपके पास, उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो ये इन रेडियो वेव्स को जो है देखते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं, और उसके अलावा और कौन से होते हैं नर्सिंग में। हाँ, बीएस नर्सिंग का मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि जो मुझे एक दो क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में आए, जहाँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मिले, तो उन्हें यही पूछा गया कि बीएस नर्सिंग का क्या स्कोप है। शेख जैद वाले हैं ना, वो करवा रहे हैं बीएस नर्सिंग, ठीक है। उसके साथ एक और कोर्स है, वो मेरे जिन से निकल गया कौन सा करवा रहे हैं, लेकिन वो करवा रहे हैं, मियो हॉस्पिटल वाले करवा रहे हैं, सर्विसेज वाले करवा रहे हैं, बीएस नर्सिंग जो करवा रहे हैं, ठीक है। इसका स्कोप भी अच्छा है। इसके बाद जो है ना आर्मी की कुछ थोड़े टाइम के बाद जो है, दो सेमेस्टर के बाद आर्मी वाले जो है ना वो अपनी सीट्स खोल देते हैं कि आप बीएस नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर किसी की लक काम कर जाए तो आप बीएस नर्सिंग के 2 सेमेस्टर गुजारने के बाद आप आर्मी में अप्लाई कर दो, आप किसी मतलब वहाँ पे आपको हायर कर लिया जाता है कि आप आगे हम लोगों के साथ आप इस इंस्टीट्यूट से आप आके पढ़ लो। अब मुझे इसका कंफर्म नहीं है कि वो लोग नम्स मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं है। अगर किसी ने बीएस नर्सिंग की तो वो ये लाजमी देख लेना, या कोई अगर किस बारे में कोई सोच रहा है या किसी को कुछ पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बात कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने बीएस नर्सिंग के बारे में सोचा जरूर हो। वेल, उसके बाद डीपीटी है, डीपीटी के खुद मैं कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल से कि इसका भी अच्छा है स्कोप, और पाकिस्तान में ना भी सही लेकिन आउट ऑफ कंट्री में भी हो सकता है। तो एक दफ़ा ये अप्लाई ज़रूर करना है कि एक दफ़ा ये ज़रूर मैंने करना है कि जब मैं दो साल गुजार लूँ ना यहाँ पे, मतलब अपने मैं 2 साल का मतलब मैं अपने 4 सेमेस्टर कर लूँ, तो मैं एक दफ़ा आउट ऑफ कंट्री के लिए ज़रूर अप्लाई करूँ। कुछ भी हो सकता है, ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं, मैंने कौन सा अपनी पढ़ाई रोक देनी है। अप्लाई ज़रूर करूँगी कि या तो चाइना का हो जाए या फिर किसी और कंट्री का हो जाए, ताकि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकूँ। अगर ना हुआ तो वह फिर पाकिस्तान में अपनी डिग्री कम्प्लीट करूँगी। उसके अलावा आपके पास बीएस न्यूट्रिशनिस्ट का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, छोटा स्कोप नहीं है कोई भी। उसके बाद वेटनरी का जो स्कोप है, जानवरों के डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा जो है ना स्कोप है। मेरे ख्याल से उनकी यूनिवर्सिटी के भी जो है ना एडमिशन्स उन्होंने एक्सटेंड कर दी हैं, उन्होंने डेट्स एक्सटेंड कर दी हैं एडमिशन्स की। तो आप एक दफ़ा जाओ उसको, ये तो खुद चले जाओ, ठीक है, या फिर आप एक दफ़ा जो है ना गूगल से चेक कर लो कि उनकी डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है। और उसके अलावा और कौन सी फील्ड्स हैं, डर्माटोलॉजिस्ट तो हर एमबीबीएस के बाद आती है ना वो, और भी काफ़ी फील्ड्स हैं यार। एक दफ़ा जो एमएलटी है वो बेसिकली डॉक्टर नहीं होते हैं, जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर मेरे ख्याल से कि अगर आपको किसी चीज़ का टेस्ट करवाना हो तो आप जाहिर सी बात है लैब में भेजते हो ना, अगर लैब टेक्नीशियंस ही नहीं होंगे तो लैब का टेस्ट कैसे होगा, किस तरह से आपको बताएंगे कि आपको ये बीमारियाँ या ये बीमारियाँ। तो मेरे ख्याल से लैब टेक्नीशियंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं और उनका स्कोप भी है, ठीक है। और उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें आपके पास मेडिकल में, यार बार बार कहती हूँ मैं मेडिकल की फील्ड छोटी नहीं है, और अगर आपको फिर भी लगता है कि मेडिकल फील्ड नहीं करनी चाहिए, आप बीएस ऑनर्स कर लो, किसी भी एक सब्जेक्ट में बीएस केमिस्ट्री कर लो, बीएस बायो कर लो, बीएस इंग्लिश कर लो, कुछ भी एक सब्जेक्ट को ले लो, उसके साथ 4 साल लगा लो, ऑनर्स कंप्लीट करो, अपना डिग्री ले लो अपनी, आप एज अ लेक्चरर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में या बहुत अच्छे कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटी में तो ना सी, लेकिन आप एज अ लेक्चरर बहुत अच्छी कॉलेज में आपको जो है ना वो जॉब ऑफर हो सकती है अगर आप बीएस ऑनर्स कर लो तो, किसी एक सब्जेक्ट में जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो। और उसके अलावा अब सिर्फ मैंने अपने रिजल्ट का वेट करना है, अगर मेरा मेरिट किसी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के इक्वल आ गया, लाइक किंग एडमिट के अगर थोड़ा सा भी 19-20 में आ गया मेरा, तो मैं फातिमा मेमोरियल के बारे में थोड़ा सा कुछ सोच सकती हूँ, क्योंकि मुझे फातिमा मेमोरियल बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा है, वो रायवेंट रोड नियर बहरिया ऑर्चर्ड में है, और मेरा यहाँ से वहाँ तक जाना बहुत मुझे वाया पड़ रहा है। तो किंग एडमिट तो ये साथ अनारकली में है, यहाँ मैं चली भी जाऊँगी,
अगर मेरा वहाँ पर थोड़ा बहुत मेरिट का हो गया तो इंशाल्लाह ट्राई माई बेस्ट कि मैं वहाँ कर लूँ, नहीं तो फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन पालू मेमोरियल यूनिवर्सिटी, वहाँ तो है एडमिशन हुआ है तो बस वहाँ मैंने फीस प्लान पे करना है अपना और मेरा एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि मैं बिल्कुल भी वो बच्ची नहीं हूँ जो मैं कहूँ जी मैं सेल्फ फाइनेंस पर पढ़ूँगी, नहीं मुझे सेल्फ फाइनेंस पर कभी भी नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ना है तो हर हाल में मुझे मेरिट पर ही पढ़ना है। बाकी मैंने आप लोगों को फील्ड्स बता दी हैं, आपको मैंने मेडिकल के अलावा भी बता दिए हैं कि अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें हो आप उसमें लेक्चरर के लिए अप्लाई कर दो, बाद में वो कोई मसला नहीं है आपको, कहीं पे भी कोई भी ये नहीं पूछेगा कि यार आपने तो किया ही नहीं है, मेडिकल क्यों छोड़ के आ गए हो, लेक्चरर में क्यों लगे, कोई नहीं पूछता। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है ना आप वो चीज़ करो, बाकी दुनिया को सारा फर्क रहो जो कहती है कहने लगते अपने पेरेंट्स को साथ देकर चलो उनको बताओ मामा पापा मैंने ये करना है, आप इस चीज़ में मेरा स्कोप देखें, आप इस चीज़ में क्राइटेरिया देखें और मुझे इस चीज़ में एडमिशन ले दें। और दूसरी बात यूनिवर्सिटीज़ को हाथ में रखो, यूनिवर्सिटीज़ के बार बार जो है ना गूगल पे करते रहो, उनके बारे में चेक करते रहो कि कब उनके एडमिशन खुलें, कब उनकी डेडलाइन शो हो जाए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन क्लोज़ कर चुकी है ठीक है, लेकिन जैसे अभी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गई थी इन्होंने क्लोज़ किए तो दोबारा एक्सटेंड किए ना, और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के जो एडमिशन है वो ओपन है, आप वहाँ पर एक दफ़ा अप्लाई कर लो, हो सकता है आ जाए। और उसके अलावा बस बाकी पीएमसी वालों से कोई उम्मीद ना रखो, ख़त्म हो चुका सारा कुछ, जो प्रोटेस्ट था वो भी ख़त्म हो गया, कोई प्रोटेस्ट अगर कोई प्रोटेस्ट के बारे में सोचता भी है आगे जाके तो भाइयों और बहनों सिर्फ टाइम वेस्ट है आप लोगों का, आप लोग सिर्फ अपने पर ध्यान दो, अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, जो हो गया सो हो गया, थोड़े देर डेज रह गए हैं ये पीएमसी का रोला भी ख़त्म हो जाना है। जिस दिन 30 सितंबर को जिस दिन लास्ट पेपर होगा ना बच्चों का, 1 अक्टूबर से जो है यूनिवर्सिटीज़ ने अपना काम शुरू कर देना, कोई यूनिवर्सिटी जो है ना मेरे ख्याल से या कोई भी कोई ट्वीट कोई फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी कोई पीएमसी का नाम का कोई भी नाम शो करे वहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप 4-5 दिन गुजार लो, अब जहाँ इतना पूरा महीना हम लोगों ने शो डाल डाल के हम लोग बच्चे थक गए, कुछ नहीं हुआ हमारे लिए, तब आप छोड़ दो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव ऑन करो और अपनी फील्ड्स चूज़ करो, छोड़ दो BDS और MBBS को, आगे फील्ड्स मूव ऑन करो और अपने फ्यूचर्स केयर करो अपना। और अगर आपको मेरी बात समझ लगी हो तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो कमेंट सेक्शन में भी बता देना, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर लेना। अल्लाह हाफिज़।